दिवाली के अवसर पर इंदौर का राजा आने वाला था। जब मंदिर के पुजारी यानी ओम को ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हुआ। आखिर राजा जो आने वाला था तो उसने सोचा मंदिर को सजा देता हूँ अच्छे से। इन सब में 10,000 का खर्च आने वाला था। अब ओम के पास पैसे नहीं थे तो उसने किसी से उधार ले लिए, क्योंकि उसे पता था राजा जाने के बाद दक्षिणा भी देगा। जैसे ही राजा आया तो उसने मंदिर की सजावट देखी तो बड़ा खुश भी हुआ, लेकिन उसने ओम को दक्षिणा में मात्र 1 रुपया दिया। ओम दुखी इस बात से नहीं था कि उसे 1 रुपया मिला, उसे संकोच इस बात का था कि वो पैसे कैसे चुकाएगा। फिर उसने अगले दिन नगर में ढिंढोरा बांट दिया कि राजा ने मुझे दक्षिणा दी और वो बहुत खास है, इसे मैं कल 10 बजे नीलाम करूंगा। लोगों में बड़ा उत्साह बढ़ गया। उन्होंने सोचा राजा ने दिया है तो बहुत कीमती होगा। अब ये बात राजा को पता पड़ी तो उसने सोचा कि अगर सभी लोगों को पता पड़ गया मैंने दक्षिणा में 1 रुपया दिया है तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो वो ओम के पास गया और उसने उसके बदले उसे 50,000 रुपए दिए। इसलिए कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की नहीं तो खाक की।